मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से और सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में खड़ा हूँ। वहाँ पर दो, एक स्कूल के बच्चे को और एक को उसके बड़े भाई को चक्कू मारा गया है किसी विवाद को लेकर। आइए इनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है जी, मैं बीड़ फार्म से हूँ। आपका भाई लगता है क्या? हाँ जी, ये मेरा बड़ा छोटा भाई, वो भी छोटा भाई है। क्या नाम है, कौन सा स्कूल में पढ़ता है ये? उसका अंकित नाम है, जिसने पर स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, सरकारी में। अच्छा, ये इसने अभी आईटीआई की है जी। आईटीआई करी है जी। क्या वारदात हुई और किस समय हुई ये वारदात? ये वारदात हुई 10:30 के करीब। अच्छा, ये बच्चा स्कूल में गया हुआ था, अंकित नाम का। ठीक है, क्लास में पढ़ता है ये? 9th क्लास में पढ़ता है। अच्छा, अच्छा। इसके आज का पेपर था। अच्छा। ये पेपर दे के वैसे बाहर लिखड़ा नहीं। हाँ हाँ। चार पांच लड़के लठ लेके या चक्कू लेके उसके बाहर घूम गए और ये छुटाने के लिए गए ने, पांच छह इसके चक्कू मारे और फिर इसका लठ लाठे लेके गल्ला पट ले, उसका भी चक्कू मारे, वो छुटाने बाद फिर उसका मारे चक्कू। अच्छा, क्या क्या अंकित के साथ, क्या उसका क्या नाम है? उसका अंकित नाम है जी। क्या विवाद चल रहा था उसका? वो कुछ नहीं, वो कल पेपर दे रहे थे, पेपर देते देते थे उसको गाली दे दी। अच्छा, किसी बच्चे ने, उसका नाम तो जानता नहीं, वैसे मैं जानता हूँ उसको, गाली दे दी यार। फिर उसने, उसका छोटा भाई है जो मेरा एक और छोटा भाई, उसको 9th में पढ़ता है, वो भी उसका मारे जी उसने, तीन चार लड़के ने कल मारे उसका। ये अफसरिंग, फिर इनका अफसरिंग हो गया, वो इन्होंने वो मार पा, गलती हो गई, आगे तो हम कुछ कौन कहाँ, वही रोड़ा सुलट गया सारा, माफी मुफी मांग ली। ये आने लगे कल घर पे, कल भी पीछा गया उनने, पाँच छह लड़का ने लठ ले, कल पीछा गया उनने सैनिकपुरा गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, उनका पीछा कराया, फिर वे घर पे आ गए, वे जो एक जो मैं लड़का था ना, वो उन्होंने बोला कल तुम स्कूल में आई हो, मैं लठ लेके आऊंगा, जानते मारूँ, उनने ये बात कही। फिर ये आज ये गए पेपर देने के लिए, 10:30 बजे का पेपर हुआ, फिर वो बात होगी, स्कूल के बाहर पाँच छह लड़के आ गए लठ लेके चक्कू ले गए। फिर जो मेरा बड़ा भाई था गोलू और इस नाम है अंतनी, और मेरा छोटा भाई के नाम है इसका साहिल, जिसको चोट लगी। हाँ, ये इसके छुटाने, ये आज गए, ये छुटाने लगे ने, पीछे इसके चक्कू मारे, फिर इसका लठ लेके पीछे पड़ ले। अच्छा, और कुछ को नहीं, ये बात हुई है। ये दोनों हॉस्पिटल? हाँ, दोनों है। ये स्कूल में ही था जब ये लड़ाई हुई? जब नहीं, स्कूल से बाहर पेपर देकर निकला था। निकला था? हाँ, बाहर वे खड़े हुए थे पांच छह लड़के। आज की बात? आज के बाद 10:30 बजे की बात है। मास्टर था कई बात बता के जी, बात बता के जो मास्टर थे ना पढ़ाने वाले, जिससे बच्चे जब थे उनकी छुट्टी कर दी। ये मेरे जैसा एक मास्टर है, ये बच्चे उसको गाली दे देते हैं, तो मास्टर आप क्या करेंगे ये बताओ? कम से कम 7-8 बच्चे आज चक्कू लेके लठ लेके आए। हाँ जी, काफी बच्चे बुलाए हैं। आप देख रहे हैं कि ये अंकित है और एक इसका भाई है, ये इमरजेंसी साहिल है, ये दोनों ही यानी कि इस इमरजेंसी वार्ड में है। दोनों के चक्कू लगा है सिर में, इसके क्या लठ लगा है, चक्कू लगा है इसके, चक्कू लगे हैं इसके, चक्कों से यानी कि बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। और ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सैनीपुरा के बच्चे हैं, ये भी 9th क्लास में पढ़ता है अंकित, और ये उसका बड़ा भाई है साहिल। अंकित, तुम सैनीपुरा स्कूल में ही पढ़ते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, पेपर देके निकले? पेपर देके हाँ, पेपर देके निकले थे और वो बाहर ही खड़े थे पहले मेरे मान खातर, पहले स्कूल में कहते बाहर निकले। दिन झगड़ा हुआ आपका? ये दोनों भाई घायल हो गए हैं किसी विवाद को लेकर। ये 9th क्लास का स्टूडेंट है और अब दोनों ये हॉस्पिटलाइज हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखिर स्कूलों के अंदर भी इस तरह की वारदात होने लगी तो देश के नौनिहालों का और देश का जो भविष्य कहलाते हैं छात्रों का क्या होगा? देखते रहिए हांसी की आवाज़।